अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएगी? ऑप्शन ए भावना कांत, बी मिताली राज, सी पुष्पा राज या डी राजीव कांत। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया के झंडापुर ओलियाबाद में हुए डकैती कांड में 15 लाख और आभूषण के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस जिला के बीहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी अंतर्गत ओलियाबाद में व्यवसायी विनोद जैन के घर 16 और 17 जनवरी के दरमियान रात्रि हुए भीषण डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। नवगछिया पुलिस ने लूटे गए 15 लाख और आभूषणों के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध हथियार की भी बरामदगी की है। गिरफ्तार आरोपियों में ओलियाबाद के ही योगेंद्र सिंह का पुत्र सुपर कुमार, झंडापुर निवासी अशोक शाह का पुत्र नंदू कुमार, प्रमोद सिंह का पुत्र आदित्य कुमार, कैलाश सिंह का पुत्र रविंद्र कुमार, भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी पप्पू सिंह का पुत्र मिल्टन कुमार वर्तमान निवासी ओलियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मिल्टन और आदित्य नाम के अपराधी के पास से 2 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है, जबकि लूटे गए सामानों में सोना चांदी के जेवरात जिसमें चांदी का सिक्का 33 पीस, चांदी के बर्तन, गणेश एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति आसनी सहित कलाई घड़ी, मोती की माला, कौड़ी एवं सिक्का पोटली सहित अपराधियों ने जो लूट का सामान सहित अपराध कर्मियों का 4 मोबाइल और 15,05,150 रुपए की नकदी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में सुपर कुमार और मिल्टन कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने नवगछिया पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि घटना को पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया और इसके उद्भेदन में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। घटना के तुरंत बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। घटना के संदर्भ में प्राथमिक सुराग स्वान दस्ते से मिला। इसके बाद पुलिस एक के बाद एक कड़ी को सुलझाती चली गई और इस मामले का लगभग अनुसंधान किया गया। बड़ी उपलब्धि मिली है, इस पर क्या कहना? नवगछिया में विगत 16-17 की रात में डकैती की एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना होने की जानकारी होने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर और वहां पे सारी बातों की जानकारी लिया इन्होंने, और उसके बाद फिर हम लोगों के पास जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के उसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया। और उस कड़ी में हम लोगों ने डॉग्स, स्पेशली उनको जब ये पता चल जाएगा कि उनका एक व्यक्ति पकड़ लिया गया है तो और भागेंगे, तो कोई बेगूसराय भागेंगे, कोई पूर्णिया भागेंगे, कोई कहीं दूर भी भाग सकते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का भी रिस्पॉन्स रहा है, वो बिल्कुल वाजिब है, वो भाग रहे थे, हम उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। आपको जानकारी हो तो आप भागते हैं, अगर आपको जानकारी हो गई तो हम भी फिर भाग रहे थे। इन लोगों का अगला प्लानिंग क्या था? पैसा से अपना, जैसे अब आगे क्या करते हैं इसका तो नहीं पता है, लेकिन विस्तार में पूछताछ करने के बाद जो भी जानकारी आई उसका सत्यापन किया गया, और सत्यापन के दौरान हम लोगों ने कुछ घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की और उनके पास से लगभग डकैती किए गए कांड को 48 घंटे के अंदर सारी बरामद की, सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लूट की राशि क्या पूर्ण रूप से बरामद हो गई है? कुछ अभी इसका जो है 15 लाख के करीब राशि हमारे पास बरामद हुई है। जो वादी हैं उन्होंने अपने FIR में करीब 20 लाख के करीब का उल्लेख किया है। अभी उनसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उनके घर से और बरामद जो लूटे गए सामान हैं, जो जेवरात हैं, जो गहने हैं, जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, वो सब बरामद हो गया है। चांदी का सिक्का है और भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, मालाएँ हैं, ये सभी सामान बरामद हो गया है और इनके पास से कुछ आर्म्स भी
और एमिनेशन भी बरामद हुआ है, उस संबंध में हम लोग अलग से एक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई सर? ये अलग अलग जगहों से हुआ है, नौगछिया में ही अलग अलग जगहों से हुआ है। कितने लोग शामिल थे सर? 5 व्यक्ति के बारे में उन्होंने FIR में भी लिखाया था, वो 5 गिरफ्तार है। क्या पुलिस की इतनी सक्रियता ये उपलब्धि में कितना बड़ा योगदान है नौगछिया पुलिस के लिए सर? नौगछिया पुलिस नेतृत्व का, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, SDPO हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी टीम है, उन सभी लोगों ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और त्वरित अनुसंधान करते हुए, जैसा मैंने कहा कि बहुत जल्द सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनके पास से लूटेड सभी चीज़ों को बरामद किया है। क्या इसके आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है सर, उसको क्या आरोप पत्र समर्पित करना या स्पीड ट्रायल चलाना, किस तरह से? मैंने अभी कहा है कि इसका अनुसंधान त्वरित तरीके से करके साक्ष्यों का सही संकलन करते हुए आरोप पत्र समर्पित करें और उसके बाद डेफिनेटली इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में रखेंगे। और इस केस से एक और बात जो बहुत स्पष्ट खुलकर आई है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम उनकी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से अगर उनके बारे में जानकारी रखें, तो इस तरह की घटनाओं में बहुत हद तक उद्भेदन में हमें सहयोग मिल सकता है। डॉग स्क्वाड की बात आ रही है, किस कैसा योगदान है डॉग स्क्वाड के? इसी कारण डॉग स्क्वाड के बारे में जैसा मैंने बताया, घटना के तुरंत बाद हम लोगों को जानकारी होने के तुरंत बाद हमने सीन ऑफ क्राइम जो है उसको सिक्योर किया और वहाँ पे डॉग स्क्वाड की मदद से हम लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स मिले। इस घटना में डॉग स्क्वाड का रोल बहुत ही सराहनीय रहा है, उनके द्वारा बहुत ही बेहतर, वहाँ के जो भी लोग थे जिनके द्वारा ये काम किया गया वो बहुत सराहनीय है। हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के डॉग्स हैं और स्निफर डॉग्स जो हैं उनका जो रखरखाव है वो भागलपुर में होता है और जो भी जहाँ ज़रूरत होती है, ना सिर्फ इसमें बल्कि प्रोहिबिशन के भी केसेस में हम लोग शराब इत्यादि की रिकवरी में डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, पुलिस को क्या इसका प्रोत्साहन मिलेगा? पुलिस, जैसा मैंने कहा, जो टीम में पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं सभी लोग पुरस्कृत किए जाएंगे। इस सब का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, आपराधिक इतिहास इसमें 2 का तो है, अभी हम लोग और डिटेल्स निकाल रहे हैं। सूत्रधार कौन है ये अपराधिक में सर, किस तरह से? मैंने कहा जैसा एक इसमें से एक व्यक्ति है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है और जो जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा है विनोद जैन जी से, वादी जो इस घटना के हैं, उनके से जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के दुकान पर वो कार्य करता है, उसका नाम है सुपर कुमार। तो सुपर कुमार के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया और उनके साथ फिर 4 और लोग जुड़े और फिर इन लोगों ने कार्रवाई इस तरह की। ठीक है, धन्यवाद। नौगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल केंद्र और राज्य सरकार पर बोला जोरदार हमला। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में गुंडा माफियों की सरकार है और आज बिहार के हर जिले में अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, जबकि दिन दहाड़े राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या गोलियों से कर दी जाती है। बिहार में बढ़ रहे अपराध के लिए उन्होंने मौजूदा NDA गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। आप लोगों के बीच बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। चुनाव के बाद यह पहला मौका है आप लोगों के बीच में। आज खास करके आप लोगों को इसलिए भी याद किया गया है कि जिस तरह से लगातार बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, बिहार में जो अराजकता की स्थिति है, वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा
कि यह सुशासन है या कुशासन, अब तो ये जनता तय करे। चूंकि जो हमारा 15 साल का राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन था, लगातार ये जो नीतीश कुमार के सरकार के लोग, नीतीश कुमार जी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि यह जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है यह कुशासन की सरकार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, और यहां के तमाम 13 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूं कि अब तो जनता को ये निर्णय लेना होगा कि ये जो सरकार है ये सुशासन की है या कुशासन की है। अब तो ये जनता को निर्णय लेना होगा। आपने हाल के दिनों में देखा रुपेश हत्याकांड, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिसके 200 फीट की दूरी पर डीजीपी बैठते हैं, उसके बाद आज हमें लगता है कि चौथा या पांचवा दिन हो गया, रुपेश हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया, जिसका बयान लगातार मुख्यमंत्री, डीजीपी और बिहार के तमाम आला अधिकारी यह लगातार बयान देते आ रहे हैं कि इसकी गुत्थी हम लोग बहुत जल्द सुलझा देने का काम। अब इतने हाईटेक मामले को अगर 7 दिन में भी इस गुत्थी को आप सुलझा नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, और रुपेश जी ऐसा अनेकों हत्या हो रही है, चाहे आप भागलपुर की बात करें या और अन्य जिले की बात करें, लगातार प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, और अच्छे अच्छे लोगों की हत्याएं हो रही है, आम लोगों की हत्याएं हो रही है, अब तो लोगों के मन में यह अविश्वास हो गई कि इस राजपाठ में हम लोग कैसे सुरक्षित कहीं भी आने जाने का काम। बिल को लेकर किसान का बिल, जो केंद्र सरकार ने बिल लाने का काम किया है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकार के द्वारा किसानों की जो अनदेखी हो रही है, लगातार किसान जो धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में, लगातार लगभग 1 महीना से ज्यादा होने चला, 60 दिन से प्रदर्शन कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। हम कहते हैं किसानों के लिए बिल है, और किसान जब विरोध में है तो उसको वापस क्यों नहीं ले लेते हो भाई। और जिस तरह सारे बिल के बारे में आप लोग भी जानते हैं, और चूंकि किसानों को इसलिए विश्वास है उसके ऊपर कि जो मंडी हटाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, बिहार में तो मंडी है नहीं, पंजाब और हरियाणा में जिस मंडी को हटाने की बात कर रही है कि कहीं भी मंडी से बाहर आप कहीं भी माल को बेच सकते हैं, तो जिस तरह से आपको याद होगा, जिस तरह से जियो जब लॉन्च किया था, जियो रिलायंस ने, अंबानी की जो जियो है, तो जिस तरह से जियो जब लॉन्च किया तो वो फ्री में दिया कि 6 महीना 3 महीना 1 साल फ्री में आप चलाइए उसको, लेकिन फ्री में चलाने के बाद जब उसका आदत लग गया लोगों को, तो आज जियो का क्या स्थिति है बताइए आप लोग। आज जियो सब नेटवर्क से, सब कॉल से महंगा है जियो के, है कि नहीं है। अब ये बात किसानों के ऊपर भी है। आज आपने मंडी को बंद कर दिया, अगर मैं मंडी में 200 रुपया हूँ, 200 रुपया बेच रहा हूँ माल को, तो 200 रुपया में तो बिक रहा है। आप ठीक है, आप मंडी को बंद करके या बाहर आप 300 रुपया में खरीद लेंगे, जब 1 साल 2 साल में आप आदत लगा देंगे, जिस तरह से जियो का आदत लगा है, अब फिर आप उस समय कहिएगा कि इस माल को हम 100 रुपया में, उस समय नवगछिया मारवाड़ी युवा मंच के स्थापना दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम, दीप प्रज्वलित कर और मिठाई बांटकर स्थापना दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम किया प्रारंभ। नवगछिया के मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा द्वारा अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के स्थापना के गौरवशाली 36 वर्ष पूर्ण होने पर मंच स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 20 जनवरी से 27 जनवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को युवा मंच के सदस्यों ने दीप जलाकर और केक काटकर व बधाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। युवा मंच ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हमारे मीडिया कर्मी के सम्मान में कार्यक्रम होना है।
22 जनवरी को अलाव की व्यवस्था नौगछिया बाजार के चौक चौराहे पर किया जाएगा। 23 जनवरी को युवा मंच के सदस्यता को विस्तार किया जाएगा। 24 जनवरी को कंबल वितरण एवं मास्क वितरण किया जाएगा। 25 जनवरी को झुग्गी झोपड़ी में बच्चों के बीच कॉपी पेन एवं बिस्कुट टॉफी एवं मास्क का वितरण किया जाएगा। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 27 जनवरी को गौ सेवा के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की है कि नौगछिया अस्पताल में बंद पड़े ब्लड बैंक को अविलंब चालू किया जाए, नहीं तो मंच इसके लिए जन स्तर पर आंदोलन करेगा। युवा मंच के सदस्यों ने कहा कि ब्लड बैंक चालू नहीं रहने से नौगछिया के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस अवसर पर नौगछिया शाखा के अध्यक्ष विकास सिरानिया, सचिव चेतन मुनका, कोषाध्यक्ष विक्रम सर्राफ, मीडिया प्रभारी वरुण केजरीवाल, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा, रवि सर्राफ, सौरभ नारनोली, पारस खेमका आदि अन्य की भागीदारी देखी गयी। को मालूम है कि अपनी मारवाड़ी युवा मंच नौगछिया शाखा वर्ष 1985 की इनकी स्थापना अपना गुवाहाटी में हुआ था, तो उसको लेते हुए आज हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोगों की बहुत ऐसी शाखा है जो अभी भी मतलब संगठन जो हम लोगों का ये हुआ था 20 जनवरी 1985 को स्थापित हुई थी, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आज मंच का स्थापना दिवस 20 जनवरी को हर दिन मनाते हैं। तो इसमें हम लोगों का बहुत रक्तदान शिविर है, पल्स पोलियो शिविर है, बहुत ऐसे छोटे मोटे कार्य है बच्चों लोगों के लिए, सब हम लोग अपने युवा मंच के तहत कर रहे हैं। जन सेवा का हम लोग कार्य करते हैं, मंच भाव को रखते हुए हम लोग समाज सुधार का काम करते हैं, मंच शक्ति को रखते हुए हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अमृत धारा है, एम्बुलेंस है, सब वाहिनी है, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर है, स्वैच्छिक रक्तदान है, ऑक्सीजन सेवा है, कन्या भ्रूण संरक्षण है, आपातकालीन सेवा है, नेत्रदान एवं देहदान है, कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान है और स्वैच्छिक रक्तदान है, निःशुल्क पोलियो करेक्टिव सर्जरी भी हो रहा है जो अपने युवा मंच में बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, और अपने बिहार शाखा एक ऐसी नौगछिया गिरी शाखा थी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको कराया था, क्योंकि पल्स पोलियो तो अपने लोगों का कैलिपर होता है लेकिन हम लोगों ने नौगछिया में मतलब सर्जरी कराया था। स्थापना दिवस को देखते हुए हम लोग इस बार सोचे हैं मारवाड़ी युवा मंच नौगछिया शाखा जो है पूरा स्थापना सप्ताह मनाएगी उत्साह के साथ। हम लोगों का 20 जनवरी से 27 जनवरी तक कार्यक्रम निश्चित हुआ है। 7 दिन हम लोग लगातार 7 तरह के कार्यक्रम करेंगे। पहले दिन आज हम लोग 20 तारीख को स्थापना दिवस मनाएंगे अपने सब सदस्यों के साथ, और अगले दिन हम लोग हमारे जो कोरोना योद्धा हैं जैसे आप लोग पत्रकार बंधु उन लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का वृक्षारोपण, गौ सेवा, कंबल वितरण, छोटे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए कॉपी किताब कलम टॉफ़ी बिस्किट वो वितरण किया जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को हम लोगों का रक्तदान शिविर होगा जो कि मारवाड़ी धर्मशाला में ही मनाया जाएगा। 27 तारीख को हम लोग अपनी संस्था का और विस्तार करेंगे और नए सदस्यों को हर परिवार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो नौगछिया अस्पताल में जो ब्लड बैंक बंद पड़ा है उसको सरकार अविलंब चालू करे, नहीं तो नौगछिया शाखा जन स्तर पर इसे एक आंदोलन के रूप में अब लेकी जाएगी, कि बहुत दिन से हमारी मांग इस चीज़ को कि ब्लड डोनेशन के जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं और उसके लिए टीम को बाहर से बुलाना पड़ता है, और आज नौगछिया में लोगों किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है और लोगों से भागलपुर जाना पड़ता है, हमारे यहाँ ये सुविधा हो कि वो सुविधा बंद है, वो सरकार की कहीं ना कहीं शिथिलता है या कुछ कारणवश जो भी वहाँ अधिकारी हैं उनको भी, तो मैं सरकार से युवा मंच नौगछिया शाखा ये मांग करती है कि उसे जल्द से जल्द अविलंब चालू किया जाए। उसके लिए हम लोग पत्राचार भी करेंगे अपने भारत सरकार से और बिहार सरकार से, दोनों को पत्र के रूप में हम लोग शिकायत दर्ज करेंगे और उनका जो आश्वासन आएगा उसके हिसाब से कार्यक्रम किया जाएगा। उसका प्रतिलिपि हम लोग अपने जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है उनके पास और केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है दोनों के पास भेजा जाएगा। साथ ही भागलपुर के जो अपने DM है उनको भी इस चीज़ के अवगत कराया जाएगा कि वो लोग अपने प्रशासनिक स्तर पर इसको जल्द से जल्द चालू करवाएं।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। डॉग स्क्वाड ने दिए पुलिस को अहम सुराग तो सुपर था कांड का मुख्य सूत्रधार। आज पुलिस पहले की अपेक्षा काफी सुविधा संपन्न हो चुकी है। ऐसे में आज के समय में डकैती की घटना होना एक चिंतास्पद बात है। झंडापुर की घटना ने पूरे इलाके को एक बार झकझोर दिया था। पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान उठने लगे थे और यही सब देखते हुए नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने एक टीम का गठन किया। वह टीम ने इसे चुनौती के रूप में लिया। घटना के तुरंत बाद सीन ऑफ क्राइम को चिन्हित किया गया और श्वान दस्ते की मदद ली गई। श्वान दस्ते से मदद लेने का निर्णय अपराधियों द्वारा लूट किए गए रकम को गबन करने की मंशा में आखिर कील साबित हुआ। श्वान दस्ते के खोजी कुत्ते सीन ऑफ क्राइम के इर्द गिर्द मंडराते रहे और फिर यह खोजी कुत्ते वहां तक गए जहां जहां आरोपियों के घर थे और डकैती कांड के बाद आरोपी जहां जहां गए थे। इसके बाद पुलिस को इतनी जानकारी तो अवश्य ही मिल गई थी कि अपराधी किस मोहल्ला का है और खोजी कुत्ते द्वारा चिन्हित किए गए स्थलों के आसपास ही उसका घर है। इसके बाद पुलिस ने संयम से काम लिया और 48 घंटे तक श्वान दस्ते द्वारा चिन्हित स्थलों के घर वालों की निगरानी की जाने लगी। इतनी निगरानी के क्रम में एक के बाद एक संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ते रहे और नकदी समेत जेवरातों की बरामदगी हुई और पुलिस इस कांड के उद्भेदन में लगभग सफल हो गई। पूरा डकैती कांड ओलियाबाद निवासी योगेंद्र सिंह के पुत्र सुपर कुमार की दिमागी उपस्थिति। सुपर कुमार जिस दुकान में काम करता था उस दुकान के मालिक ने झंडापुर के व्यवसायी विनोद जैन से 3 कट्ठा जमीन 15 लाख रुपए में खरीदी थी। जानकारी मिली है कि सुपर ने जमीन की खरीद बिक्री को काफी नजदीक से देखा और उसे यह भी पता था कि उसके मालिक ने कब और कहां जमीन के लिए 15 लाख रुपया दिया है। सुपर ने इस सूचना को अपराधी प्रवृत्ति के मिल्टन को दी और फिर मिल्टन और सुपर के दोस्तों ने मिलकर डकैती का पूरा प्लान बनाया। गोपालपुर राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत CSC गोपालपुर में स्वास्थ्य शिविर का विधिवत उद्घाटन दीप जलाकर राज्य आयुष समिति के पर्यवेक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर के प्राचार्य डॉक्टर CV सिंह, जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल व CSC प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार व सैदपुर पंचायत के उप मुखिया चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर योग विज्ञान के द्वारा गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाने का उपाय भी बताया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के बीच आयुर्वेदिक होम्योपैथी व यूनानी दवा का मुफ्त वितरण देसी चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद किया गया। मौके पर गोपालपुर के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर राधेश्याम, होम्योपैथी के डॉक्टर खुर्शीद की उपस्थिति देखी गई। ये सब मिलजुल के गाइड करें और मिलजुल के एक चूंकि हेल्थ एक फंडामेंटल गाइड है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया विधान परिषद ने सराफ कॉलेज में NCC और NSS कार्यालय का किया उद्घाटन। गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर विधान परिषद से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट एवं सीनियर सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह द्वारा स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज में NCC और NSS कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उक्त जानकारी बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज के प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी राजेश कनोडिया ने दिया। बीहपुर ग्वारीडीह में दुर्लभ वस्तुओं और पुरावशेषों के मिलने का सिलसिला जारी। बीहपुर प्रखंड के जयरामपुर गांव के ग्वारीडीह टीले की तलहटी से अविनाश कुमार चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए सर्च अभियान में कई प्रकार की पौराणिक दुर्लभ वस्तु और पुरावशेषों को इकट्ठा किया गया है। 5 पीस मोती और मूंगे का पत्थर और कई तरह के पत्थर और मृग भाण के अवशेष और जीवाश्म मिले हैं। जानकारी मिली है कि ग्रामीण युवाओं ने बुधवार को दिन भर ग्वारीडीह के कोसी कछार में सर्च अभियान चलाया है।
एशिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया गोसाई गांव पंचायत के मुखिया द्वारा जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा कंबल का वितरण। नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव पंचायत के मुखिया सह गोपालपुर मुखिया संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने अपने सौजन से लगभग 1000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस समय जरूरतमंदों के लिए आम लोग भी आगे आएं, यात्रा में अपने पुराने उपयोग किए गए कपड़ों को साथ में लेकर चलें ताकि कहीं जरूरतमंद अगर सड़क किनारे नजर आए तो उन्हें मदद जरूर करें। वहीं मौके पर पूर्व मुखिया यमुना प्रसाद यादव, राजीव कुमार, जीवन प्रकाश बम बम, सत्यम शिवम, संकेत शिवम, बाजू कुमार, शिवम कुमार, फुटीश कुमार, बुधो कुमार सहित कई मौजूद थे। नवगछिया अंचल कार्यालय में बिचौलियों का बसेरा। मृतक के परिजनों से 40,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं मिला अनुदान राशि। नवगछिया अंचल कार्यालय इन दिनों दलालों का अड्डा बन गया है, जहां बिचौलियों के माध्यम से खुलेआम रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है। ऐसा ही मामला बुधवार को अंचल कार्यालय नवगछिया का सामने आया है, जहां आपदा से हुई मौत के एक मामले में अनुग्रह अनुदान की राशि दिलवाने के नाम पर मृतक के परिजनों से 40,000 रुपए बिचौलियों के माध्यम से लिए जाने की बात को लेकर पीड़ित परिजनों ने नवगछिया अनुमंडलाधिकारी से लिखित शिकायत की है। आवेदन में कदवा बोड़वा टोला निवासी छुतहरू राय ने कहा कि बीते 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़कहवा के भोमड़ा स्थित कोसी नदी में मेरा पुत्र शैलेश कुमार की डूबने से मौत हो गई थी, जिसका अनुदान राशि अभी तक नहीं मिला है। 4 महीने पहले गांव के ही जनार्दन सिंह के बेटे विपिन कुमार सिंह ने 1 महीना के अंदर अनुदान राशि दिलवाने के नाम पर मेरी पत्नी से ब्याज पर उठवा कर 40,000 रुपए ले लिया, लेकिन आज तक राशि नहीं मिली। वहीं साथ में गांव के ही कपिल देव सिंह के पुत्र सोनू कुमार का भी मौत हुआ था। कपिल देव बीमारी से ग्रसित है, उससे भी 35,000 रुपए विपिन ने ले लिया, बाकी 5,000 की भी मांग कर रहे हैं। उक्त बातों को लेकर नवगछिया SDM अखिलेश कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में दोनों से 40,000 रुपया प्राइवेट कर्मचारी के रूप में विपिन कुमार पिता जनार्दन सिंह नाम है उनका, वह कहाँ का है विपिन? बोरबा टोला निवासी है वो, बोरबे टोला। वो अंचल कार्यालय में क्या करते हैं? ऐसे जो है दलाली के रूप में जो करता है। तो वही 40,000 रुपया लिए हैं दोनों से? दोनों से हाँ। किससे किससे लिए हैं? कपिल देव सिंह और छुतरू राय। क्या कह करके पैसा लिए? कि दोनों को मुआवजा दिला देंगे हम, 1 महीना के अंदर दिला देंगे। आज तक पैसा नहीं मिला? आज तक पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? कहीं बड़े अधिकारी को शिकायत वगैरह किए हैं कि? नहीं किए। आज अनुमंडल पदाधिकारी नगोछिया को मैं इस शिकायत से अवगत करा रहा हूँ। मैं जदयू नेता विधायक प्रतिनिधि दयानंद सिंह है, जो मृतक परिजन से मुलाकात हुआ तो कहा कि आज दिन तक मुझे पैसा नहीं मिला। तो मैं मृतक के परिजनों से जो रिश्वत के रूप में 40,000 करके जो लिया है, ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा किया है? गलत, घोर एकदम अन्याय किया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होते हैं इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक ठीक। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया के छोटी पर्वत्ता 14 नंबर सड़क पर बैंक कर्मी से 1,74,000 की लूट।
नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने एक बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,73,240 रुपए लूट लिए। बैंक कर्मी भागलपुर जिले के बरारी निवासी राजन राज ने घटना की सूचना इस्माइलपुर पुलिस को दी है। बैंक कर्मी राजन राज ने बताया कि वह नौगछिया के विभिन्न गाँव में रकम संग्रह करने आया था और रकम लेकर वह वापस भागलपुर जा रहा था। छोटी पर्वता गाँव के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उसे उसका रास्ता रोक लिया और हथियार के बल पर उसके पीठ पर टंगे बैग को छीन लिया। राजन राज ने बताया कि उसके बैग में रुपए थे। बैंककर्मी ने बताया कि तीनों अपराधियों ने अपना मुख ढक लिया था और तीनों आपस में स्थानीय भाषा में ही बात कर रहे थे। घटना के बाद तीनों अपराधी जाह्नवी चौक की ओर भाग गए। घटना के तुरंत बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर इस्माइलपुर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही अपराधियों के संभावित ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन पुलिस को किसी प्रकार का सुराग हासिल नहीं हो सका है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपराधी कई दिनों से बैंक कर्मी पर नजर रख रहे होंगे और इसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे होंगे। इस्माइलपुर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया और अनुसंधान शुरू कर दी है। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8408192 पर। एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787732505243। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।